मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास डेटा गिवन है और आपको मोड फाइंड करना है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं फॉर्म करना, सिर्फ आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में करना है, एमसीक्यूज में करना है, तो बगैर कुछ करे मैं वैसे ही बताऊं, मुझे ये बताओ इसी टेबल में देख के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, कोई बच्चा बताएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 23। यस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 23 आ गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा F1 होता है, और प्रीवियस फ्रीक्वेंसी F0 होता है, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 होता है, और इस जो क्लास इसका होगा वो क्लास होगा 35:45, यही वाला हमारा मोड क्लास कहलाएगा। तो जो इसका लोअर लिमिट होता है वो L होगा, और यहाँ पे क्लास साइज कितने का, हाइट कितनी है, 35 और 45 में, 35 और 45 में गैप कितना है? 10। यस 10। तो अगर आप चाहें तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज F1 इज 23। डन। तो आपके पास F0 आ गया 21, F2 आ गया 14, ठीक है, मोड क्लास हमारा हो गया 35:45, L हमारे पास आ गया 35, क्लास साइज बेटे इसका गैप वो आ गया 10। तो फाइंड राइट द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू, बताइए बोलिए जरा फॉर्मूला क्या था, L प्लस जितना आप बोलेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। ट्वाइस F1, यस शाबाश, F0 माइनस F2 इनटू H, वेरी गुड। तो व्हाट इज L आवर, L is our 35, what is F1 is 23, minus F0 is 21, 2 into 23 is 26, 21. minus 21, minus 14, multiply by 10, ये बस, तो simplify करो इसे, ये आपके पास आएगा 35, very good बेटे, 23 minus 21 is 2, 2 into 10 is 20, चलो 20 लिख लेते हैं, upon 46 minus 35, तो 46 माइनस 35 कितना होता है भाई? 11। 11 से अगेन एलसीएम नहीं लेना है, इसको यहीं पे सिंपलीफाई करना है। तो आप इसे डिवाइड करो, 20 बाय 11, 11 वन जा 11, कैरी 9, 11 एट जा, बस इतना ही बहुत। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 36.8 समथिंग, दैट्स इट। यस, क्लियर है क्या सब बच्चों को? यस सर। यस सर। यस, चलिए शाबाश, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, जितना तेज आप दे सकते हैं। सब बच्चों को मैं नाम लिख के नोट करूंगा किसने आंसर दिया। यस, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं शाबाश करिए।